नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशिक राज है और आप देख रहे हैं टेक्निकल आशिक चैनल। PLS ग्रुप फंक्शन हम लोग कुछ एग्जांपल देख रहे थे, आज हम लोग देखेंगे PLS ग्रुप प्रोसीजर के कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन से आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग का है, राइट अ प्रोसीजर टू क्रिएट योर ऑन प्रिंट स्टेटमेंट। आपको ऐसा प्रोसीजर लिखना है जिसको एक्सेप्ट कराना है, जो भी आप प्रिंट कराना चाहें वो वेरिएबल आप देंगे, आप स्ट्रिंग देंगे, उसको प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे यह प्रोग्राम हमने लिखा है, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम और इन पैरामीटर, यहाँ पे वी वेरकर टू इज बिगिन DBMS आउटपुट पुट लाइन स्कोर पुट लाइन, वो वी में हम लोग क्या देंगे, जो भी वी हम लोग का जो भी इन पैरामीटर होगा, यूजर से इनपुट कराना है कि आप कौन सा स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाहते हैं, तो वो वी में स्टोर होगा। तो यहाँ पे ये प्रोसीजर हम लोग क्रिएट करेंगे, एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट यह प्रोसीजर। तो हम लोग इस प्रोसीजर को पहले क्रिएट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीजर क्रिएटेड। ठीक है, यहाँ पे प्रोसीजर हम लोग का क्रिएट हो गया। अब प्रोसीजर को हम लोग कैसे कॉल करते हैं, कैसे हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जीक्यूट exec स्पेस प्रिंट एग्जीक्यूट और प्रोसीजर नेम और उसके बाद वी के जगह वेरकर टू जो है, वहाँ पर वेरकर टू जो होती है, जो भी वेरकर टू होगा वो सिंगल कोट्स के अंदर आप यहाँ पे देंगे। ठीक है, जो भी वेरकर टू डेटा टाइप होगा उसको यहाँ पे हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर देते हैं, और नंबर डेटा टाइप को आप डायरेक्ट दे सकते हैं विदाउट सिंगल कोट्स। यहाँ पे एग्जीक्यूट प्रोसीजर नेम और उसके बाद इनपुट इन पैरामीटर जो वी के जगह पर, यहाँ पे टेक्निक क्लासिक जो दिया मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निक क्लासिक डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, PLS ग्रुप प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो ये एक सिंपल सा जो है कि प्रोसीजर था प्रिंट करने के लिए। आपका कोई भी स्टेटमेंट, आप जो भी स्टेटमेंट आप यहाँ पे देंगे वी के जगह पे, कुछ भी आप देंगे स्ट्रिंग, तो उसको जस्ट प्रिंट करने का हमने ये प्रोग्राम बनाया था, प्रोसीजर बनाया था। ठीक है, आप इस प्रोसीजर को लिख लेंगे और रन करा के देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।